7 एक्शन। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ अंजना जी, 10 साल बाद सरकार चलाई मोदी जी ने, चुनाव के मुहाने पर आए, मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दा इन युवाओं का रोजगार है? क्या मुद्दा महंगाई है? क्या मुद्दा बढ़ती हुई गरीबी है? क्या मुद्दा ध्वस्त अर्थव्यवस्था है? मोदी जी के लिए वो सब मुद्दे नहीं है। और सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के इस चुनाव में नरेंद्र मोदी नहीं, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स है। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूँ। मैं अपनी दूसरी बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि 10 साल सरकार चलाने के बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है, मैंने ये काम किए। क्या भाषा है प्रधानमंत्री की? किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? कहे इतनी बदहवासी में अलग अलग स्लोगन दे रहे हैं? भाषा की मर्यादा और शोभना तो खैर कभी मोदी जी ने दिखाई नहीं है, तो वो आशा करना भी उनके विपरीत है। लेकिन चुनाव का एक मैसेज साफ आ रहा है, साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, 200 सीट के लाले पड़े हैं और इसीलिए नए नए स्लोगन गढ़े हैं। ये असलियत है। आपसे सवाल नहीं पूछ पाई थी, उस समय माइक मेरे पास नहीं था, लेकिन जो भी राहत मिलनी है वो कोर्ट से मिलनी है। ना आप जज हो सकती हैं, ना शहजाद पूनावाला, ना अंजना। सवाल ये है कि कोर्ट को राहत देनी है, कोर्ट राहत नहीं दे रही। आखिर इन दो मुख्यमंत्रियों की जिनकी बात हो रही है कि जेल में है, संजय सिंह को मिल गई, राहत नहीं दे रही। आपकी ज्ञान के लिए और इन बच्चों के ज्ञान के लिए जरूर यहाँ बोलना चाहती हूँ, संजय सिंह को बेल मिली ही ना, और उसी ईडी को हाथ बांध कर पीछे खड़ा होना पड़ा और कोर्ट ने उससे पूछा आपके तथ्य और सबूत कहाँ है, 2 बजे हम करेंगे कार्रवाई, लेकर आइए तथ्य और सबूत। उन्होंने कहा हम अपोज ही नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई तथ्य और सबूत नहीं है। असलियत ये है अंजना जी, अगर आप वॉशिंग मशीन में धुलकर गंगा जल बीजेपी का अपने ऊपर डाल लेंगे तो आप साफ सुथरे हो जाएंगे, अन्यथा आप भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। हम तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारे दाग धब्बे धुल जाएंगे। वही काम हेमंतो बिस्व शर्मा से लेकर नारायण राय, सुवेंदु अधिकारी, अशोक चव्हाण ने किया। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आपके चैनल ने वो रिपोर्ट चढ़ाई, जो रिपोर्ट कहती है कि 25 में से 23 लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई। ये जो वॉशिंग मशीन मोदी जी चला रहे हैं ना, उसका जवाब यही जनता देगी, और देखिए कितने प्रचंड तरीके से देगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपनी भाषाई मर्यादा कहाँ है? इन्होंने मुझे टीवी डिबेट का ब्लडी फूल कहा, इन्होंने कंगना रनौत को और मंडी को बदनाम किया। तो बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। चल सुनिए, अब जवाब सुनिए। बीपी की मेडिसिन खाया करो, थोड़ा पानी। बीपी की मेडिसिन खाया करो, इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? रुक जा। अब थोड़ी देर रख दीजिए, उन्हें जवाब सुन। ये शो ऐसे होगा, अगर ऐसे होगा तो शो का मुझे भी करना आता है। बोलिए। अगर ये शो ऐसे होगा तो मैं एंकर को भी धमकाएंगे। बताइए एंकर को भी धमकाएंगे। बस बीच में 4.5 मिनट शहजाद जी, प्लीज शहजाद। सिंपल सी बात है, इस देश के लोगों का मुद्दा क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, इस देश के लोगों का मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है, रोजगार है कि नहीं है? और अगर रोजगार मुद्दा है तो मोदी जी क्या क्या बातें कर रहे हैं? बाड़मेर जाते हैं, कश्मीर से नाता बता देते हैं, यही नहीं पता कि राजस्थान के गांव में बाबा रामसो का जन्म हुआ था, उस कश्मीर की बात हो रही थी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, प्रधानमंत्री लोगों के आहार की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट है और वो बड़ा सही ट्वीट है। मैं मौका दूंगी आपको। 2014 का नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट है, जाकर देख लीजिएगा। 3 अप्रैल 2014 का ये ट्वीट है और इस ट्वीट पर मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है मीट का दाम बड़ा बढ़ गया है, थोड़ा कम होना चाहिए, हिदायत दे रहे हैं मीट खाने की। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये ट्वीट 3 अप्रैल 2014 को किया गया। 31 मार्च 2014 से लेकर 7 अप्रैल 2014 तक नवरात्रि के व्रत थे। मैं नवरात्र का व्रत रखती हूँ, चैत्र का भी रखती हूँ और दूसरा भी रखती हूँ। मोदी जी ने तब मीट खाने की हिदायत दी और आज उनको मां से मछली मीट मुर्गा दिख रहा है, मां से मणिपुर, मां से महंगाई, मां से महिला सुरक्षा नहीं दिख रही है। ये असलियत है, ये चाल चरित्र चेहरा है इस देश के प्रधानमंत्री का। ठीक है, क्यों हिला डाला ना? मेरा सवाल बीजेपी से है कि माना कि किसी सीएम ने कितना घोटाला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ही निकालेगी, पर इस समय इलेक्शन के इतने पास उनका गिरफ्तार होना कुछ अटपटा नहीं लगता? ठीक है, 3 सवाल है, मैं सबसे लूंगी। और कौन पूछेगा? सर मेरा सवाल आपसे है, आप कह रहे
हैं कि अरविंद केजरीवाल घोटाले, उन्होंने शराब घोटाले किए हैं, लेकिन आपकी बीजेपी पार्टी में बहुत सारे घोटाले हुए, जैसे कि अजीत पवार सिंचाई घोटाला, एविएशन घोटाला, प्रफुल्ल पटेल शुगर मिल घोटाला, हसन मुशरीफ, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? ठीक है, तमाम घोटाले और हाँ, एक के बाद एक उनका कहना है आपकी पार्टी में शामिल होना और चुनाव के इतने करीब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शक पैदा कर रही है बच्चे के मन में। अंजना जी, गिरफ्तार तो एजेंसी करती है, जेल में कौन रखता है भाई? इतने चांटे मारूंगा मुंह पर, इतने चांटे मारूंगा। सुप्रिया जी, दो सवाल आपसे पूछे गए, एक तो उसने पूछा कि भ्रष्टाचार के इतने मामले कितने गंभीर हैं, और ये पूछ रहे हैं कि रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ सारे आप के साथ ही क्यों भाग रहे हैं? मेरे भी सवाल जोड़ दीजिए ना, मैंने तो इनके सारे सवाल के जवाब दिए। आप इतने बगल में उनको आवाज जा रही है। आपके सामने कुछ खुलासे और कुछ सवाल मेरे भी मन में रहते हैं भाई, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। 15-15 लाख किसके अकाउंट में आए? किसी के अकाउंट में आए 15-15 लाख? आए नहीं आए। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनना था, अभी तक तो 20 करोड़ बन गया होता नौकरी। किसकी नौकरी गिनवाया भाई? अभी गिनवाया, 20 करोड़ अपनी बारी में। शहजाद जी भूल गए और जॉब्स का डेटा भी भूल गए, अभी तो गिनवाया भाई, अभी गिनवाया। रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, गलत है। आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, फिर तो बस शाउटिंग मैच कर, नहीं आपको वेट करना, आप उसके बाद बोल सकते हैं, बीच में नहीं प्लीज। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, 10 साल में तो 20 करोड़ बन गए होते, नौकरियों की लाइन लग गई होती। लेकिन आपके चैनल पर मैं देख रही हूँ और डंका पीट के कहती हूँ, आज तक पर मैंने डिजिटल पर एक शो देखा, यूपी में शो हो रहा है, लोग कह रहे हैं लड़कों की नौकरियां नहीं लग रही, ऐसी लड़कियों की शादी नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं अग्निवीर में 4 साल में 24 में रिटायर करके आप भेज रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं ना नौकरी दे रहे हैं। युवा कहता है मैं सीने पर गोली खाने को तैयार हूँ देश को, आप कहते हो बेटा तुम्हें मैं 24 में रिटायर करूंगा, ये आपकी असलियत है। आपकी असलियत यह कि 70 के पेट्रोल को 100 पार कराया, 400 के सिलेंडर को 1100 पार कराया। आपकी असलियत यह है कि आपने आटा दही चीनी सब पर GST लगाया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो आपने मुझे बोला डिस्कस किया था, लेकिन पहले आपके साथ CSDS पे बहुत डिस्कशन हुआ है। आपने जनता और इस देश की 55% लोग जो सर्वे में पार्टिसिपेट किए, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार 5 साल में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। ईडी CBI इनकम टैक्स विपक्ष के लिए है, जो इनको ज्वाइन कर लेगा वो पाक साफ हो जाएगा। मैं कुछ सवाल पूछ लेती हूँ छोटे छोटे। शारदा स्कैम की बुकलेट निकाली थी हेमंतो बिस्व शर्मा के खिलाफ, ज्वाइन कर लिया, धुल गए। आप कहते थे अशोक चव्हाण ने बहुत बड़ा घोटाला किया है आदर्श का, आपके यहाँ आए साफ सुथरे हो गए। आप कहते थे नारायण राणे ने लैंड का स्कैम किया है, अरे करते एजेंसी से काम, आपके यहाँ आए साफ हो गए। आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी चिटफंड स्कैम में शामिल है, आपके यहाँ आए तो साफ हो गए। सवाल इस बात का है कि ये देश देख रहा है, वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 चल रही है, वो देश देख रहा है। और देश ये भी देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी युवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, मणिपुर के बारे में, महिलाओं के बारे में चिंता नहीं करते। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनके बारे में बोल देती हूँ। देखिए ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, जहाँ 4.25 मिनट निशब्द होके सुना जाता है, सुनते हैं लोग, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। वो लड़ाई सबके बस की बात नहीं है, जो कायर थे वो जाएंगे। और मैं एक और बात कहती हूँ सीना ठोक के, कल जाना है आज जाओ, क्योंकि इस लड़ाई में आप जैसे कायरों की जगह नहीं है। इस लड़ाई में जो सीना ठोक कर और गोली खाने की हिमादत रखता है उसकी, जो कल तक आपके साथ था उसको कायर बोलने में आपको जरा भी हिचक नहीं, भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केस है उनके खिलाफ, किस डर से गए हैं वो? रोहन गुप्ता को टिकट भी दिया था, सत्ता की लोलुपता, सत्ता का मलाई चाटना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। सत्ता की मलाई खाकर ही तो ज्योतिरादित्य जी वहां गए, कोई प्रेम थोड़ी हो गया। अगले सवाल पे छोटा सा जवाब फिर आपके पास जा रही हूँ, अपना भी टाइम गिनिएगा सुप्रिया जी, अपना टाइम आप गिनती नहीं है। सवाल तो ये कि कौन कन्विंस करता है जनता को, इस पर है बात। आप कौन जनता को कन्विंस कर पाता है, अपनी तरफ ला पाता है, किसके बोलने से वोट में इजाफा होता है? शहजाद पूनावाला, उनकी पार्टी को आप घेर रही है नौकरियों पर, सवाल है कि आपका टेम्पलेट क्या है? जनता कैसे भरोसा करे कि कांग्रेस आएगी तो नौकरियों की बौछार हो जाएगी? ये हमारा मैनिफेस्टो है,
और हमारी सरकार सिर्फ हिमाचल में ही नहीं है, हमारी सरकार कर्नाटक में है, हमारी सरकार तेलंगाना में है। हमने गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी से लेके गिग वर्कर्स के लिए जो वहाँ पे काम किया है वो टेम्पलेट बनी है। ये मैनिफेस्टो उठाइएगा और देखिएगा कि किन पांच स्तंभों पे हम बात करते हैं। हम आप जैसी लड़कियों के लिए, आप जैसे युवाओं के लिए, अब 30 लाख सरकारी नौकरी, एक दो सवाल नहीं, एक दो सवाल प्लीज, बाकी होने की 50% नौकरियों में महिला के लिए आरक्षण। ऐसे लड़ते ही मुझसे ये दो लाइन ज्यादा बोलो, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। नहीं अंजना जी, एक वाक्य अंजना जी, एक वाक्य तो बोलने दीजिए। सर मेरा सवाल आपसे है कि 2019 की नीति आयोग की मीटिंग में मोदी जी ने बोला था 2024 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे, डॉलर इकोनॉमी, लेकिन आज जो मौजूदा इकोनॉमी है वो 3.7 है, तो कहाँ गई इकोनॉमी? अभी तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर इकोनॉमी क्यों नहीं? 22 में लाने वाले थे, 22 में। सवाल आपसे, जवाब सुनिए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। 20 साल की लड़की है, उसका नाम है दिशा रवि, वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो क्लाइमेट एक्टिविज्म पे काफी बात करती है। उसको दिल्ली पुलिस, अमित शाह की दिल्ली पुलिस पकड़कर दिल्ली ले आई थी, क्योंकि उनको लगता था वो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। और जब तथ्य नहीं मिले तो दिल्ली पुलिस को दुम दबाकर उसको छोड़ना पड़ा, कोर्ट के अंदर मानना पड़ा, उनके पास कोई तथ्य और सबूत नहीं थे। ये डर है इस सरकार का। और आपने एक अच्छी बात पूछी, आपने स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की बात पूछी। आप लोग पता नहीं कितने लोग बच्चे यहाँ से मैक्लोडगंज या लद्दाख या ऐसी जगह गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, लद्दाख ले कभी जाइएगा तो वहां पर एक व्यक्ति है सोनम वांगचुक, आपने सबने 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स में जो आमिर खान का किरदार है वो उन पर ही आधारित है। सोनम वांगचुक ने 21 दिन का फास्ट किया, 21 दिन का व्रत किया। लद्दाख की जनता सड़कों पर है आज की तारीख में, 3 लाख की जनता है, 10% लोग आज भी सड़क पर है और कहते हैं कि चीन घुस आया है, हमारे चरवाहे जा नहीं पा रहे, सरकार को 6th शेड्यूल में हमें शामिल करना चाहिए। उनकी बात तो करना दूर, उन पर कोई डिबेट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, चाहे मणिपुर हो और चाहे लद्दाख हो, ये मोदी जी की असलियत। बच्ची का सवाल सही पकड़े हैं। और आप लोग सवाल हाथ उठाइएगा, मैं उधर भी आऊंगी जो लोग खड़े हैं। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आप लोगों में जिसका मन हो मुझसे खड़े होकर सवाल पूछिएगा, अगर आपको उनकी बात अच्छी लगे खूब ताली बजाइएगा, मुझे भी हूट करिएगा। मैं आपको किसी का, मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में युवा को किसी का हूटिंग करने वाला स्टूज कभी नहीं कहूंगी, बिल्कुल ये पाप नहीं करूंगी। आप करिएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है, यहाँ पर आपको हूटिंग करने की भी आजादी होनी चाहिए, ताली बजाने की भी आजादी होनी चाहिए। अंजना जी, किसी के बाप की बपौती अंजना जी, अंजना जी, नाइस। पर एक अछूत शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, मैं पहले उस पर आपत्ति जताती हूँ और आपको भी वो शब्द सेंसर करके माफी मंगवानी चाहिए। 76 साल बाद आजादी के यहाँ पर आकर इन शब्दों का प्रयोग सर्वथा गलत है, जाति सूचक शब्द है, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। एक महिला होने के नाते मुझे पूरी आजादी, अगर मुझे बहुत ज्यादा कोई करीब आ रहा है मैं बोलूं थोड़ा दूर रहिए, बिल्कुल मुझे आजादी है। एक महिला होने के नाते आपको भी वो आजादी है। कैसे इन्होंने शब्द का प्रयोग किया, किस नाते इन्होंने शब्द का प्रयोग किया और क्यों नहीं उस पर ऑब्जेक्शन किया गया? क्या बोलते हैं यहाँ पे आके? मैं जवाब, एक महिला और पुरुष का कोई अंतर ही नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आके मेरे पास आने किस शब्द का प्रयोग करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, और इस पर आपको भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूँ। उन्होंने कांग्रेस सवालों का जवाब दूंगी, अगर कुछ सामाजिक रूप से गलत यहाँ पे कहा जाएगा उसका विरोध करना भी मेरा काम है। बोलना चाह रही थी आपने टोका, यहाँ पर लोगों ने कहा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे सवाल उठाया, कांग्रेस का नेता कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे ना। आज असलियत ये है कि 2014 से 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन? नितिन गडकरी को घर बिठा दिया, जो सवाल पूछता है उसका टिकट काट देते हैं। ऐसे कौन सा है? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी, अरे ज्यादा ना करवाइए, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए, बाबा को भी अलविदा कर देंगे ये लोग, अभी देखते जाइए। 2024 में बाबा की विदाई ना कर दे, योगी मोदी की बातें मत। राहुल गांधी पर सवाल था, तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मुझे लगता है राहुल गांधी आजाद हिंदुस्तान में एक अकेले नेता है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी, वो मणिपुर जो 10 महीने से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की ना तो इरादा है, ना नियत है, ना हिम्मत है
मणिपुर जाने की, जो प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम नहीं लेते 76 दिन बाद 36 सेकंड की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री क्या इस देश की बात करेंगे? राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले वो लोग ये भूल जाते हैं, है, जनता है 2014 उनके इलेक्टोरल रिपोर्ट कार्ड पर सवाल है। 2019 में जब चुनाव हुआ कुछ वोट इनको मिले कुछ वोट हमको मिले, सम्मिलित ऑपोजिशन को इनसे ज्यादा वोट मिले, 60% वोट मिले सम्मिलित ऑपोजिशन को, किससे लड़ने चले? आपके ही चैनल दिखाते हैं, आपके ही डिजिटल वाले दिखाते हैं, जहां जाओ तड़ा तड़ लोग सवाल पूछ रहे हैं रोजगार पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं महिला सुरक्षा पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया महंगाई से काहे कमर तोड़ रहे हो, उसका कोई जवाब नहीं है। लद्दाख मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, खाका साफ है। हम सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं 1 लाख के स्टाइपेंड की, ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को जो अनपढ़ गवार की तरह बात करते हैं उनके लिए लाई हूं। आखिरी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।